एवरीवन, वेलकम टू स्टडी ग्रुप पाठशाला। मैं उल्लाश और आज की क्लास में डिस्कस करेंगे एक इम्पोर्टेंट लेटर को। ये लेटर होगा लेटर टू द एडिटर ड्राइंग अटेंशन टुवर्ड्स क्योटिक स्टेट ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड। यानी आपको एडिटर को लेटर लिखना है, न्यूज़पेपर एडिटर को लेटर लिखना है और उसमें जो है कंसर्न अथॉरिटीज का ध्यान जो है क्योटिक स्टेट ऑफ ट्रैफिक, ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करना है। ठीक है दोस्तों, तो इसको आप कैसे लिखोगे, किस फॉर्मेट में रहेगा, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और एसएससी के सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये टॉपिक। तो आप इसको जो तैयार करिए और इससे मिलता जुलता टॉपिक भी आपको मिल सकता है एग्जाम में, राइट। तो इसकी आप कंप्लीट प्लेलिस्ट को जो देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से जाके आप एसए और लेटर दोनों की प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो, राइट फ्रेंड्स। इसके साथ ही साथ आप यहाँ से इस बुक को ले सकते हो जिसमें आपको 60+ टॉपिक्स मिल जाएंगे और विद इन वर्ल्ड लिमिट सारे के सारे टॉपिक्स मिलेंगे, लेटेस्ट पैटर्न पर बेस्ड होंगे। और ऐसे लेटर सिंगल बुक से तैयार कर सकते हो, अलग से दो बुक लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। लोएस्ट कॉस्ट में बुक मिल जाएगी आपको, 30% एडिशनल डिस्काउंट भी मिल जाएगा, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाके फ्रेंड्स आप इनको बाय कर सकते हो डिस्काउंटेड रेट पर और यहाँ पर आप अपने एग्जाम के हिसाब से इनको ले सकते हो, सीजीएल या फिर सीएचएसएल के लिए, राइट। तो दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन आपको इस तरह से मिलेगा, यू आर राहुल और अर्पिता, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ द हिंदू न्यूज पेपर ड्रॉइंग द अटेंशन ऑफ द अथॉरिटीज टूवर्ड्स क्योटिक स्टेट ऑफ ट्रैफिक ऑन रोड इन योर एरिया। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन मिलेगा। अब आपको लिखना कैसे होगा वो ये देख लेते हैं। सबसे पहले जब आप शुरुआत करोगे तब आपको शुरुआत करनी है एड्रेस से, और जब आपको कोई एड्रेस ना दिया हो तब आप लिखोगे एग्जामिनेशन हॉल और जो प्लेस का नाम होगा वो लिख दोगे, राइट। उसके बाद सेकेंड में आपको लिखना है जो भी करेंट डेट होगी वो डेट लिखोगे आप यहाँ पर, राइट। और किसको लिखना है, एडिटर को लिखना है, तो द एडिटर द हिंदू और जहां पर प्लेस है वो प्लेस का नाम भी साथ में लिखोगे, न्यू दिल्ली, राइट। तो इस तरह से आपका एड्रेस रहेगा। उसके बाद सब्जेक्ट में आपको लिखना है क्योटिक स्टेट ऑफ ट्रैफिक ऑन दिल्ली रोड। ठीक है, तो ये इस तरह से यहाँ पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट कोशिश करना है कि एक लाइन में ही आ जाए तो बेटर है, राइट। अब देखो शुरुआत करनी है रिस्पेक्टेड सर से और यहाँ पर आपको कॉमा जरूर लगाना है सेपरेट करने के लिए, ध्यान रखिएगा, राइट। कैसे लिखना है देखो, थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम डेली आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टुवर्ड्स द क्योटिक कंडीशन ऑफ ट्रैफिक ऑन द रोड्स दैट हैज वर्सेंड इन द रीसेंट पास्ट एंड हेंस इट इज एन ओबियस कॉज ऑफ कंसर्न। ठीक है, यहाँ से आप शुरुआत कर सकते हो कि मैं आपके न्यूज़पेपर के माध्यम से जो अथॉरिटीज है उनका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जो ट्रैफिक की कंडीशन रोड पर हो रही है बहुत ज्यादा क्योटिक हो रही है और रीसेंट पास्ट में देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा एक चिंता का विषय बन चुका है, राइट। दिस हैज रिजल्टेड इन टोटल कंफ्यूजन एंड एनार्की ऑन रोड। ठीक है, इसकी वजह से क्या हो रहा है, तो पूरी तरह से कंफ्यूजन और एनार्की बढ़ती जा रही है रोड। मैसिव ट्रैफिक जाम्स हैव बिकम कॉमन रूटीन। ठीक है, रोड पर हमेशा जाम लगे होते हैं और मैसिव ट्रैफिक जाम होते हैं, ठीक है, जिसके द्वारा जो है काफी सारा जो है फ्यूल भी खर्च होता है, लोग लाइन में लगे रहते हैं घंटों तक, राइट। कम्यूटर्स गेट हेलेस्ट ड्यू टू हैवी ट्रैफिक जाम्स। ठीक है, जो कम्यूटर्स है जो पैदल चलने वाले हैं वो भी एक तरह से हेरेस्ट होते हैं क्योंकि उनको भी काफी हैवी ट्रैफिक जाम का सामना करना पड़ रहा है। सिंस इट टेक अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि ट्रैफिक जैम के द्वारा टाइम काफी ज्यादा लगता है, फॉर देम टू रीच देयर डेस्टिनेशंस। ठीक है, अपनी डेस्टिनेशन में पहुंचने में ज्यादा समय देना पड़ता है, राइट। तो इस वजह से ये बड़ा इशू है जिसको सॉल्व करने की जरूरत है, राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप शुरुआत करोगे। उसके बाद देखो, मोस्ट ऑफ देम गेट लेट फॉर देयर वर्क एंड अदर मिस देयर ट्रेन्स और फ्लाइट्स। देखो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये भी होती है कि कुछ लोग जो है लेट पहुंचते हैं ट्रैफिक जैम की वजह से और कुछ ट्रेन्स को भी मिस कर देते हो, फ्लाइट्स को भी मिस कर देते हैं, राइट। दीज क्योटिक कंडीशंस आर ड्यू टू द इंक्रीज इन नंबर ऑफ व्हीकल्स टू। ठीक है, ये जो क्योटिक कंडीशन बन रही है ये जो है जो नंबर ऑफ व्हीकल्स हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इसकी वजह से भी बढ़ रही है, इसकी वजह से भी बढ़ रही है, राइट। तो यहाँ पर आपने पूरा अपना बता दिया कि आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से आप लोगों को और दूसरे पर्सन को क्या क्या दिक्कतें हो रही है, राइट। It is requested that some stringent measures have to be adopted by the traffic police and authorities to improve the situation on the roads.
ठीक है, आप ये कह सकते हो कि जो स्ट्रिंजेंट मेजर्स लिए जाने चाहिए अथॉरिटीज द्वारा, ताकि ये जो सिचुएशन है उसको सुधारा जा सके. राइट, एफिशिएंट पुलिसिंग एट द क्रॉस रोड स्पेशली एट पार्क पीक आवर्स हैज टू बी ऑब्जर्व्ड एज वेल. ठीक है, पीक आवर्स के टाइम पर जो है पुलिस और एफिशिएंट पुलिसिंग की जानी चाहिए क्रॉस रोड्स पर, ताकि जो इस तरह की सिचुएशन बन रही हो ना बने और जो क्योटिक कंडीशन है उससे छुटकारा मिल सके. राइट, उसके बाद दोस्तों आपको लिखना है बस थैंकिंग यू, योर्स ट्रूली या योर्स सिंसियरली लिख सकते हो. और योर्स लिखना है, ध्यान रखना, ये आप लोगों में से किसी ने पूछा भी था कि योर ट्रूली लिखेंगे या योर ट्रूली लिखना है या फिर योर्स ट्रूली लिखना है, तो आपको ध्यान रखना है योर्स ट्रूली लिखते हैं. ठीक है, योर्स ट्रूली लिखा जाता है, योर ट्रूली नहीं लिखा जाता. पहला वाला गलत है, सेकंड वाला सही है. योर्स ट्रूली आप लिखोगे या फिर योर्स सिंसियरली लिखोगे, जो भी लिखना है एस लगाना है उसमें. राइट, क्योंकि प्रोनाउन में कॉमा नहीं लगाया जाता, जो भी जितने प्रोनाउंस होते हैं उसमें कॉमा नहीं लगता है, ये चीज ध्यान रखिएगा आप लोग. ठीक है दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कैसे इस टॉपिक को लिखना है बेटर तरीके से, और आप गलती भी नहीं करोगे योर और योर्स में भी. राइट, और आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा. वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर देना, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने सभी दोस्तों में जो डिस्क्रिप्टिव की तैयारी कर रहे हैं, और आप में से कोई नया है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हो इस चैनल को. राइट फ्रेंड्स, और आप मुझे अकेडमी पर फॉलो कर सकते हो, मेरे कोर्सेज को देख सकते हो, यहाँ से भी डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है फ्रेंड्स, वहां से जाके अपने प्रोफाइल पर जाके मेरे कोर्सेज को वॉच कर सकते हो. और डेली लाइव क्लास भी होती है वहां से, मॉर्निंग में 12 से 1 होती है क्लास और इवनिंग में 8 से 9 होती है, तो इन लाइव क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो जो पूरी तरह से फ्री होती है. राइट, तो आप इन क्लासेस को भी ज्वाइन करिए और उनको वॉच करिए. राइट फ्रेंड्स, तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलते हैं अगली क्लास में. थैंक्स फॉर वॉचिंग.